हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खुशियों वाला है क्योंकि ओलंपिक गेम्स की आज बिगनिंग हुई, आज स्टार्ट हुआ वो, और उसमें भारत की खिलाड़ी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। पहली बार ऐसा किसी भारतीय ने किया है, चाहे वो पुरुष या स्त्री। तो ये बहुत ही एक खुशी का अवसर है। लेकिन इस अवसर पर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि ढेर सारी मीराबाई चानू हमारे देश में, गांव में संघर्ष करके अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षमताओं के अनुसार अच्छा मुकाम पाया है। ऐसी एक कहानी है राजस्थान की बेटी मौर सिंह कौर की, जिन्होंने कि अभी जो आरएस परीक्षा के जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें उनकी रैंक है 519 और महिला वर्ग में 93। वैसे तो आपको लगेगा कि 519 रैंक कोई ऐसी असाधारण बात नहीं है, लेकिन मैं इस इंटरव्यू को इसीलिए आज कंडक्ट कर रहा हूँ कि जो स्ट्रगल, जो संघर्ष किया है मौर सिंह ने और जिन विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने यह मुकाम पाया है, वह हर युवा के लिए एक प्रेरणादायी एक कहानी हो सकती है, और खास तौर से उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनके लिए परिस्थितियां जिनके लिए अनुकूल नहीं है। वो जीवन में कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक या अन्य तरह की जो परिस्थिति, जो बाधाएं हैं, वो उनको उनके मुकाम पाने से रोक रही हैं। तो आज का जो ये सेशन है, ये जो इंटरव्यू है, यह मौर सिंह कौर की जो एक सक्सेस स्टोरी है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसको जो है समाज में लोगों के सामने, खास तौर से युवाओं के सामने लाने का उद्देश्य है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये वार्तालाप। मौर सिंह, सबसे पहले आप अपनी जो है बैकग्राउंड, जो प्रारंभिक आपकी शिक्षा और आप कहाँ की रहने वाली हैं, ये जो है हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो सर आपको गुरु पूर्णिमा की तरफ का बताएं। प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम मौर, जैसे सर ने बताया, मौर सिंह। मैं मौर कंवर सिंदरा से हूँ और मेरे पिताजी एक छोटे से सीमांत किसान हैं, और मैं जालौर जिले के जसुनपुरा तहसील से हूँ। मैंने अपने गांव में, आज भी हमारे गांव में सिर्फ 5वीं तक ही सर विद्यालय है, और मैं जब पढ़ने लायक थी तो उस समय 5वीं तक ही स्कूल था। उसके बाद में मैंने पास जो गांव, पड़ोस का गांव था 7-8 किलोमीटर, वहां से मैंने 8वीं की थी। जालौर में शिक्षा के प्रति इतना जागरूकता भी नहीं है और इस विद्यालय की भी कमी थी, उस वजह से मेरी भी शिक्षा छूट गई थी। पर शुरुआत से ही सर मेरा हमेशा से रहा था कि मैं शिक्षा मुझे पढ़ूं, पर छूट गई थी शुरुआत। लगभग 10-12 साल के गैप के बाद में मेरे मन में एक था कि मैं पढ़ूं, और कुछ जीवन की ऐसी परिस्थितियां भी बनी कि मुझे फिर से पढ़ने का निर्णय लिया। और जिस उम्र में लड़कियां शादी की उम्र होती है, उस उम्र में मैं कह रही थी कि मुझे पढ़ना है। तो विशेषकर जो मेरे समाज के लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बुरी लगी। हालांकि वो अपनी जगह सही भी थे कि इस उम्र में लड़की एकदम विपरीत बात कर रही है, रोटियों की जगह किताबें मांग रही है। तो वो सर मेरे लिए काफ़ी, उन्होंने विरोध भी किया, उनको गलत लगी मैं कि ये किस तरह की डिमांड है। पर मेरे माता पिता उस समय एक मेरे पे जो ब्लाइंड फेथ करते हैं, उन्होंने किया। शायद इस वजह से भी उन्होंने किया कि मैं उनकी एक संतान थी, और एक संतान के सुख में माता पिता हमेशा खुश रहते, तो उन्होंने, उनको ये विश्वास था हमेशा से मुझ पे कि मैं जो करूँगी अपने जीवन में सही करूँगी, मैं गलत नहीं हो सकती, भले मेरा ये डिमांड इस तरीके से गलत हो सकती है। तो इस विश्वास के साथ ही उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया था और मुझे पढ़ने की अनुमति दी थी। क्योंकि सर मैं 22 साल की थी, तो स्कूल की जो एज होती है वो तो निकल गई थी। मेरे लिए व्यवहारिक रूप से स्कूल जाना सही भी नहीं लग रहा था, तो मैं स्वयं पाठ्यक्रम। तो जब आप 22 साल की उम्र में थी, जी तो उस सर, समय आपने क्लास कौन 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी? जी सर, मैं 12 साल की थी, तब तक मेरी 8वीं क्लास हो गई थी, हो गई उसके थी। बाद स्कूल छूट गई थी। और फिर मैंने स्वयं पाठी के रूप में 10वीं की थी, 22 साल की थी 10वीं, मेरे जरा बाईस इस कहानी को देखिए कि गांव की एक बच्ची, उसके आसपास में सिर्फ 8वीं
तक का ही विद्यालय था। 8वीं की शिक्षा के बाद उसकी परीक्षा, उसकी पढ़ाई छूट गई और 12 साल से लेकर 22 साल तक, 10 साल तक उसने पढ़ाई लिखाई से कोई उसका संबंध नहीं रहा। 22 साल की उम्र में अपने माँ बाप से या अपने परिवार से ये डिमांड कर रही है कि मेरे को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मेरे को इजाजत दिया जाए, मैं पढ़ूंगी, अब फिर आगे प्लीज बताएं। तो सर सामाजिक स्तर पे विरोध था, रिश्तेदारों का काफी विरोध था, पर माता पिता का भरपूर मुझे सहयोग रहा और मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया गया। तो हमारे भीनमाल नजदीक पड़ता, वहाँ पे 10वीं थी, पर वहाँ पे पढ़ना मेरे लिए उचित नहीं था। तो फिर मैंने जो एग्जाम सेंटर मांगा था वो जोधपुर था, तो मैंने जोधपुर से ही सर स्वयं पाठी प्राइवेट के रूप में 10वीं की। उसके बाद में 2014 में ही मैंने 12वीं भी स्वयं पाठी के रूप में की। और जब सर 27 साल की हुई, तब तक मेरी उम्र बीए हुई, तब तक मैं 27 साल की हो गई थी। मेरी बीए 2017 में कंप्लीट हुई और बीए के फाइनल ईयर में रहते हुए ही मैंने सर, तो बीए भी आपने प्राइवेट किया? जी सर, मैंने स्वयं पार्टी के रूप में प्रथम ईयर था, लास्ट के 2 ईयर सर रेगुलर थे पर स्वयं पार्टी में कभी कॉलेज नहीं गई। और उसके बाद में सर फाइनल ईयर में जब मेरा था, उस टाइम मैंने सब इंस्पेक्टर का जो राजस्थान सरकार की थी उसमें अप्लाई किया। 2018 में मुझे राजस्थान सरकार ने मौका दिया कि मैं राजस्थान की सबसे बड़ी लोक सेवा जो होती है रिक्शा, उसके लिए अप्लाई करूं। और मैंने सर इस दौरान पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे माता पिता और मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने पढ़ाई के अलावा जिंदगी का कुछ भी पल नहीं दिया, और मैं पूरा लगन और निष्ठा के साथ में इन दोनों मौकों को निभाया। और जिसमें मेरा राजस्थान सब इंस्पेक्टर में, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि मैं गर्ल्स में सेकेंड टॉपर हूँ पूरे राजस्थान में। बहुत ही एक ये गौरवान्वित कर देने वाली। देखिए, कोई जो सफलता होती है वो कितनी बड़ी सफलता है वो परिस्थितियों के अनुसार उसका निर्णय होता है। आज कोई सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल जीत रहा है, लेकिन ऐसी उसके पीछे की जो ट्रेनिंग है, जो सुविधा है, वो भी है साथ में, वो एक महान जो उपलब्धि है। लेकिन इस तरह की जो सामान्य जो युवा, खास तौर से बालिकाएं बच्चियां, जो कि इस तरह की सामाजिक आर्थिक और जो अन्य तरह की समस्याओं से दो चार होती हुई, उनको जो है उन हर्डल्स को पार करती हुई मुकाम पा रही है, तो ये बहुत ही एक कितनी एक रोचक इस सेंस में कि कितनी एक मतलब प्रेरक जो है ये स्टोरी है कि 12 साल के बाद 10 साल तक, 12 से 22 साल तक शिक्षा से पूरी तरह से दूर, अब कोई बच्ची 22 साल की उम्र में कह रही है कि वो 9th और 10th की परीक्षा मतलब 10वीं करेगी, और उसके घर में उसका विरोध हो रहा है, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प के आगे, उसकी जिद के आगे घर को भी ये इजाजत देनी पड़ रही है कि ठीक है, तो 10वीं करने के लिए आपने सेंटर मांगा था जोधपुर से, वहां जाके आपने परीक्षा दी, फिर 12वीं भी जोधपुर से ही की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जोधपुर से, और फिर उसके बाद आपने जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स SI या RS की जो प्रिपरेशन की वो कैसे की, और उसमें आपने कैसे मार्गदर्शन वगैरह किसका लिया और कैसे अपनी मतलब प्रिपरेशन किया, आपने ये बताइए। सर इस बीच में मेरे बहुत बार मैं ऐसे टूटी भी, बिखरी भी और अपने आप को जोड़ा भी सर। कई बार मुझे अकेला भी बहुत फील हुआ कि कोई साथ में नहीं था। पर इस दौरान सर मेरे गुरुजन थे और मेरा एक छोटा भाई है सर, तेजपाल सिंह नाम है उसका, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, प्रेरित किया, कुछ अच्छी किताबें भी दिलाई। और मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट का ग्रुप था जिन्होंने हमें, हम मिलके पढ़ाई करते थे आपस में मिलके, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी रणनीति यही थी कि भाई ने भी गाइड करता रहा शुरू शुरू में, साथ में हमेशा करता रहा कि टेस्ट लिखने सर, जहाँ से भी टेस्ट मिले, जैसे भी टेस्ट मिले, PDF फॉर्म में मिले तो मैंने उसको प्रिंट निकलवाया और उनको लिखा। मोबाइल जो एग्जाम एनवायरनमेंट होता है 3 घंटे का, उसी तरीके से मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रख के, अलार्म लगा के मैंने 3-3 घंटे का टेस्ट लिखे। तो सर लिखने की प्रैक्टिस की मैंने खूब कोशिश की थी, और मुझे लगता है कि मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देती तो मैं छोटे भाई को ही देना चाहूँगी, और हमेशा उसका साथ ये रहेगा सर। कोई ना कोई परिवार में जो है एक फरिश्ता बनकर आता है और उसकी सोच जो है, जो उसकी ब्रॉड थिंकिंग होती है, वह परिवार की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती है। तो ये जो आपने प्री और मेंस दोनों की कैसे क्या स्ट्रेटजी
अपनाई और कोचिंग ज्वाइन किया नहीं किया, ये सब जरा बताइए। सर मैंने शुरुआत में एक दो जगह से छोटी मोटी कोई क्लासें थी वहाँ से लिया था। उसके बाद सर मुझे समझ में आया कि ज़्यादा सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रख करेगी। तो शुरुआत में गाइडेंस जरूर है मेरे कुछ अच्छे गुरुओं की, और उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, पर साथ में सेल्फ स्टडी जरूरी थी। अच्छी किताबें, स्पेशली जो ऑथेंटिक किताबें है जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, NCERT सारी है सर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जित किताब है, वो तो वो सारी सर मैंने पढ़ी। और मेन मेरा फोकस था लिखने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का। और इसके साथ में सर ये कि कोई भी स्टडी मटेरियल हो उसको एक ही स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़ना, और एग्ज़ाम से पहले खुद के नोट्स होने जरूरी है ताकि उनको बार बार पढ़ सके, इधर उधर भटकने का नहीं था। एक सर मेरी कहीं ना कहीं कमी मुझे लगती है कि मेरी 519 रैंक, मेरा परिवार खुश है मेरे उपलब्धि से, मेरे आसपास के लोग सभी परिवार वाले भी अभी खुश है, सभी गुरुजन खुश है, पर मैं अपनी रैंक से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे और भी इससे आगे चाहिए। और उसमें कमी रही सर फोर्थ पेपर की, स्पेशली इंग्लिश की, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ पर इंग्लिश हमारे लिए काफ़ी कठिन रहती है। तो अगर आपसे जुड़ने का पहले सौभाग्य प्राप्त होता तो ऑफकोर्स मेरी रैंक और अच्छी होती सर। तो मेरा यही है सर कि फोर्थ पेपर की रैंक कोशिश अच्छी होनी चाहिए। चलिए इस बार जो एग्जाम होगा उसमें आपका जो है फोर्थ पेपर, RS फोर्थ पेपर होगा, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगी और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टॉप 10 में आएंगी, आप टॉप करेंगी, क्योंकि इस मामले में मैं लकी हूँ। RS के जो है एक बार कृष्णा शुक्ला अपनी स्टूडेंट है, उन्होंने टॉप किया, उसके अगले साल जब नेक्स्ट जो RS की वैकेंसी आई थी उसमें शना सिद्दीकी सेकेंड रैंक पाई थी, और मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स, एक सलीम सिद्दीकी जी फिफ्थ रैंक, और ऐसे ढेर सारे, बहुत मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इतने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो इस मामले में मैं लकी रहा हूँ कि कुछ बहुत ही टैलेंटेड, कुछ IAS भी बने अपने लोग, तो एक मतलब ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देखने का, उनको मतलब किस तरह से वो ग्रो करते हैं, किस तरह से क्या उनका अप्रोच होता है, ये सब देखने का एक सौभाग्य मिला है। और अगले एग्जाम में निश्चित रूप से आप, ये एक तरह से आपका सिल्वर मेडल है, अगर आप कुमार मीरा भाई चानू हो अगर स्टडी की, मैं तो ये मानता हूँ कि ये उपलब्धि भी कम नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रगल आपने किया, जो मेहनत किया, तो इस मेहनत के पीछे जो स्ट्रगल, जो ओलंपियंस वो भी अप्स एंड डाउन्स का सामना करते हैं, वो भी कभी टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर जुड़ते हैं, अपने आत्मविश्वास को फिर से जोड़कर आगे बढ़ते हैं, उनके भी पीछे उनके परिजनों का, और जैसे ये मीराबाई चानू का भी आपने स्टोरी पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वो अपने गाँव में लकड़ियाँ जो है वो जंगल से इकट्ठा करके घर पर लाती थी, तो काफ़ी बड़ा गट्ठर लकड़ियों का जो है ना उठा कर ले आती थी, तो उससे उसके माता को लगा कि अगर ये इतना कर सकते हैं, तो उसकी मदर ने उसको प्रेरित किया, और आज हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश को गौरवान्वित किया है मीराबाई ने उस लड़की ने। उसी तरह आपका भी ये उपलब्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि उन गर्ल्स वो समझ सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं, जो कि आपके जैसी ही परिस्थितियों में अभी पड़ी हुई हैं। तो मेरा उनके लिए संदेश यह है कि आप जो है ये मौर कौर से ये प्रेरणा लीजिए, अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। और मैं बताऊं, कृष्णा शुक्ला जिन्होंने कि टॉप किया था RS, उसकी भी स्टोरी यही थी कि आठवीं के बाद, आप पढ़ लेना कहीं भी अगर ऐसी जानकारी हो तो, आठवीं के बाद वो भी प्राइवेट, आठवीं तक पढ़ी थी, उसके बाद सारी शिक्षा प्राइवेट की थी। तो राजस्थान के प्रतिभा की कमी नहीं है, और प्रतिभा किसी संस्था विशेष, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या कोचिंग हो, उसकी भी मोहताज नहीं होती है। आज के युग में अगर युवा प्रेरित कर ले, अपने को ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो कर सकता है, असुविधाएं उसके आड़वात नहीं आएंगी। तो एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया, तो मैं एक बार फिर से किसी बोलना चाहूंगी इस मंच से कि अब सभी माता पिता को ये कहना चाहूंगी कि अपने अगर बच्चों में प्रतिभा है, विशेषकर अपनी बच्चियों में, तो उन पर विश्वास करें, जैसे मेरे माता पिता ने किया मुझ पर अंधा विश्वास, उसी तरह वो निभाएंगे और पूरा करेंगे। उसी तरह मैं तमाम भाई बहन हैं, जो मेरे युवा साथी और भाई बहन हैं, उनको भी संदेश देना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते,
बस आप में उसको पाने की निष्ठा और जिद होनी चाहिए। और इस टाइम मुझे कलाम सर की जो लाइनें जो मैंने अभी तक जी भी है कि संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते, कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखें, सपने तो वो है जिसको हमें सोने ना दे, अगर तुम्हें नींद आती है तो अपनी पलके काट दो। थैंक यू सर। वेरी गुड। देखिए, ये मैं आज एक समाज में एक बदलाव भी देख रहा हूं, बच्चों के प्रति माँ बाप का दृष्टिकोण बदल रहा है, लेकिन उनके प्रति जो समाज है और खासतौर से क्लोज के जो रिश्तेदार हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदल रही है। लेकिन माँ बाप जो है ना, मैं ये देख रहा हूं, चाहे ये हमारे हरियाणा की जो मतलब रेसलर्स या बॉक्सर्स जो गर्ल्स पढ़ाई के क्षेत्र में जो हम अक्सर देख रहे हैं कि एक बदलाव आ रहा है। माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी भी वैसे ही बेटों की तरह आगे जाए और कुछ मतलब अच्छा करे लाइफ में, उपलब्धि प्राप्त करे, लेकिन जो प्रेशर होता है माँ बाप पर, वो प्रेशर आता है क्लोज रिलेटिव से, और वो प्रेशर फिर माँ बाप जो है ना फिर अपने गर्ल पे, अपने बेटी पे डालते हैं, और इस तरह से बेटी कुछ करने से रह जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि चूंकि हम लोग एक सामाजिक रूप से जुड़े हुए एक समाज हैं, जो कि एक परिवार रूपी संस्था, फिर संस्था समाज से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रेशर आता है। लेकिन ये प्रेशर जो है ना, माँ बाप आजकल जो है 90% केसेस में मेरा ये विश्वास है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा हो या बेटी सब आगे बढ़े, लेकिन समाज के प्रेशर के कारण। तो ये उन अभिभावकों को भी ये कहना है कि आप जो है आगे बढ़ें, अपने बेटे को बेटी को आगे उनको बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें, वो आपको गौरव उतना ही गौरवान्वित महसूस कराएगी जितना कि आपका बेटा, बल्कि उससे ज्यादा। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं थोड़ा विषय से हटके, वेट लिफ्टिंग एक मसल पावर, एक व्यक्तिगत फिजिकल और मेंटल पावर की जो है ना टेस्ट होती है। आज 20 साल के इतिहास में या इतने साल के इतिहास में कोई पुरुष जो है वेट लिफ्टर ओलंपिक में मेडल नहीं लाया, मेडल लाई तो महिलाएं लाई, लड़कियां लाई, कर्णम मालेश्वरी 2000 में, और अब इस साल जो है मीराबाई चानू ने, कोई पुरुष नहीं लाया। सोचिए आप, ये तो मसल पावर की बात है ना। बैडमिंटन व्यक्तिगत स्पर्धा, इसमें स्पीड चाहिए, स्टेमिना चाहिए, शार्पनेस चाहिए, इसमें कोई पुरुष ओलंपिक में कोई मेडल नहीं लाया, दो दो गर्ल्स ब्रॉन्ज और सिल्वर, वो गर्ल्स ने ही जो है भारत को मेडल दिलाया है। इससे आप सोचिए, कुश्ती में भी जो है गर्ल्स कम पीछे नहीं है, उन्होंने मेडल्स दिया हमें पिछली बार साक्षी ने, और इस बार विनेश ने, हो सकता है कि विनेश गोल्ड मेडल भी ला दे, जो कि अभी कोई पुरुष नहीं लाया है। मेरा ये कहने का मतलब है कि माइंडसेट बदलने की जरूरत है। ये कहना कि महिला कमजोर है, ये नहीं कर सकती, यह सोच हजारों वर्षों से इस देश को पीछे किया है। पहले नहीं था, पहले ये सोच नहीं थी, लेकिन पिछले 1000 साल 800 साल से ये सोच डेवलप हुई, और उससे हम काफी पिछड़े, और पिछले 70 सालों में तो बहुत ही पिछड़े इस एक सोच की वजह से। तो इस सोच से हमें बाहर आना होगा। आप अभिभावक अपने बेटियों को भी उतना ही फ्रीडम दें पढ़ने की जितना बेटों को देते हैं, देखिए वो आपको बेटों से ज्यादा गौरवान्वित महसूस कराएंगे। इसीलिए मैंने ये ओलंपिक का एग्जाम्पल दिया, और मैं खुद देख रहा हूँ कि RS मेरा कोई स्टूडेंट RS में ढेर सारे हुए हैं, लेकिन टॉप 10 में सिर्फ एक लड़का हुआ। लेकिन गर्ल्स अभी मैंने बताया फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक अलग अलग सालों में, और 50 ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जो है पोस्ट पाई हैं, और दूसरे बैंकिंग के फील्ड में, SSC CGL के फील्ड में, वो तो कहिए मत। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि माइंडसेट बदलने का समय आ गया है, और मौर सिंह आप मतलब क्या एक ऐतिहासिक मौका है। आज ये कोई प्लान इंटरव्यू नहीं था, ये तो आज स्वीट्स लेकर आए थे, आज इनका सिलेक्शन हुआ था तो खुशी में, लेकिन मैंने कहा कि ये, और आज ही मैं इनका ये जो स्ट्रगल जो स्टोरी है वो आज इन्होंने पूरी अपनी बात बताई। वैसे तो क्लास में पढ़ के चले जाते थे, लेकिन ये सुनकर मैं खुद प्रेरित हुआ, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है ये बात जो है समाज में अपने और युवाओं के लिए, खासतौर से उन गर्ल्स के लिए जो कि एडवर्स परिस्थितियों का सामना कर रही है, उनके लिए ये आपकी जो है स्टोरी प्रेरक बन सकती है। आप कुछ और कहना चाहेंगे?
मैं सर यही कहना चाहूंगी कि गर्ल्स भी अपने आप को जो बेचारा मानते हैं कि परिस्थितियां ऐसी है, तो एक्सक्यूज साउंड्स गुड सर, इंग्लिश में कहावत है, तो बहाने हमेशा सुनने में अच्छे लगते हैं। तो आप, हो सकता है आपकी भी सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां रही हो, पर उन परिस्थितियों से बाहर निकले और आपने जो चाहा है, बस अपने माता पिता को कभी ऐसा मत करना कि उनको नीचे देखना पड़े। बाकी उनका फेथ है तो उसको पूरा करो, और आप सही हो तो उस सही रास्ते पे चलते रहो। बाकी आपको सबको सफलता जरूर मिलेगी अगर चाह है तो। और मेरी वजह से अगर अपने कोई भी पूरे भारत की या जो भी मुझे सुन रहा है प्रेरित होती है तो है। पर हाँ सर, सपने अगर पूरे करने, जो भी जिसी स्टूडेंट लाइफ की भी बात करें, तो उसके लिए त्याग करना जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है सर। तो मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद कहूँगी सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू कौर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि नेक्स्ट जो आरएस का एग्जाम होगा उसमें आपके जो आरएस फोर्थ पेपर में जो इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगी, देखो क्योंकि सर, आपका काफ़ी अब इम्प्रूवमेंट भी हो गया है। अनुभव वो बताइए, आपने कब ज्वाइन किया था हमें? सर वैसे मैंने आपको 2019 दिसंबर में ज्वाइन किया था। उसके बाद में मेरे उसका एसआई का फिजिकल की वजह से, और मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, फिर लॉकडाउन लग गया तो उस बीच में भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो अभी भी मैं सर से कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले जो मेंस होगा तब तक सर से जुड़ी रहूँ, और अगली बार जो अपनी फोर्थ पेपर और स्पेशली इंग्लिश, जो इस बार मेरी सबसे बड़ी कमी रही है आरएस में, रैंक कम आने की वजह थी, तो उसमें मैं जरूर सुधार करूंगी सर। सुधार तो हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बीच आरएस का एग्जाम हुआ नहीं, डिले हो गया ये जी जी लॉकडाउन की वजह से, जी और उस समय इनका मेंस हो चुका था। अब ये रेडी हैं, अब ये गोल्ड मेडल, इस बार गोल्ड मेडल का वेट उठाएंगे। ये हमारे लिए, ये मीरा बाई चानू ही हैं, और अब ये सिल्वर लिया, अगली बार ये गोल्ड मेडल लेंगी। अगर आरएस को ओलंपिक्स माने तो अगले ओलंपिक्स में, मतलब आरएस के एग्जाम में ये गोल्ड मेडल, यानी कि इनकी रैंक बहुत अच्छी होगी। मैं आपके लिए एक टारगेट सेट कर रहा हूँ, आप टॉप 10 में आने के लिए तैयार रहिए और तैयारी कीजिए वैसे ही। और बाकी आपकी जो इंग्लिश का जो है फोर्थ पेपर में उसकी, मतलब मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आपको वो उस लेवल तक ले चलेंगे, पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी थैंक यू सर। मच, गॉड ब्लेस यू। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को शुभकामनाएं।